हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्ट योर लव एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ फ्रेश टू ट्रेजर विद दीप्ति। आज हम बनाएंगे फ्रिज मैग्नेट्स और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पुराने प्लास्टिक के ढक्कन, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रिज मैग्नेट्स में। और मैं टी लाइट कैंडल्स भी यूज कर रही हूँ और उसे हम कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसे क्यूट से एलिमेंट्स में। तो चलिए DIY स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक के ढक्कन, कुछ टी लाइट कैंडल्स। इसकी वैक्स रिमूव करने के लिए मैंने उबलते हुए पानी में कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया और फिर उसे रिमूव कर लिया। कलरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट चॉक पेंट और फ्लैट ब्रश। इसकी आउटर सरफेस पे अच्छे से कलर कर दें, इवनली स्प्रेड कर दें, उसके अंदर की एजेस को और बाहर की एजेस को अच्छे से कवर कर दें। अगर किसी की सरफेस अनइवन है तो पहले सीजर से उसको ट्रिम कर दें और फिर सैंड पेपर से उसकी एजेस को स्मूथ कर दें और उसके बाद उसे कलर कर दें। मैं सेंटर का पार्ट छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे फोटोज ऐड करूँगी बाद में। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, डैप करते हुए उसे कलर करते रहें। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट इसका रिजल्ट ब्रश से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे आपको। ऐसे ही मैं 3 क्लिप्स को भी कलर कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद में हम इसमें फोटोज ऐड करेंगे। अगर आपके पास फोटोज नहीं हैं तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर में से कटिंग्स भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हम फ्रिज मैग्नेट्स बना रहे हैं तो मैंने किचन थीम पे ही कुछ न्यूज़पेपर में से प्रिंट आउट्स कट करे हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं मेजर कर रही हूँ मुझे कितने रेडियस का सर्कल चाहिए, तो उसको ट्रेस कर लेंगे और फोटो के बैक साइड में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी और फिर उसे कट कर दूंगी। फोटो पेस्ट करने के लिए आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ अच्छे से स्प्रेड करने के लिए और फिर उसे सेंटर में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह के बड़े प्रिंट्स के ऊपर आप पहले ढक्कन रख के देख लीजिए कि आपको कौन सा एरिया कट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप मेजर करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए और फिर उसे कट कर लीजिए। मैं एक पुराना मोबाइल कवर भी यूज कर रही हूँ तो इसके ऊपर पहले मैं एक बाउंड्री ट्रेस कर लेती हूँ और फिर उसे मैं कट करके सेम मेथड से मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। अब हम टी लाइट कैंडल से कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो मैं 2 टी लाइट कैंडल्स के कंटेनर के अंदर येलो कलर कर रही हूँ, उसके अंदर वाले एजेस पे भी अच्छे से पूरा कलर कर दूंगी और बाकी के जो कंटेनर्स हैं उस पे मैंने ऊपर की साइड में ब्लू कलर और नीचे की साइड में ग्रीन कलर कर दिया है। तो चलिए पहले येलो वाले इन दोनों कंटेनर्स को हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ये आर्टिफिशियल आईज यूज कर रही हूँ। इसके सेंटर में ग्लू गन लगा के मैं ये दोनों आईज को स्टिक कर दूंगी। मेरे पास एक आर्टिफिशियल फेदर रखा हुआ है तो उसका एक स्ट्रैंड निकाल कर मैं इसके बैक साइड पे ग्लू गन से उसे स्टिक कर दूंगी। एक थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो मैं एक और लगा रही हूँ और फिर उसके बाद में रेड मार्कर से एक ट्रायंगल क्रिएट कर दूंगी तो उससे ऐसा लगेगा कि वो उसकी नोज है। तो ये क्यूट से 2 फ्रिज मैग्नेट्स रेडी हो गए हैं। अभी हम एक और बनाते हैं तो इसके लिए ग्रीन वाले साइड में मैं ग्लू गन स्प्रेड कर रही हूँ और फिर उस पर पेबल्स लगा रही हूँ। अगर आपके पास पेबल्स नहीं हैं तो आप साबुत मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं कलर करके, विदाउट कलर करके, और कुछ आर्टिफिशियल लीव्स हम यूज़ करेंगे। इसे मैं सेंटर में ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी और फिर उसके ऊपर कुछ और पेबल्स भी लगा दूंगी। इसकी एक ग्लास विंडो बनाने के लिए मैं OHP शीट यूज़ करूँगी। आप लोग इसके बारे में पूछते हैं तो ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट है जिसे OHP शीट कहा जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वो चेक कर लेना।
इसके नीचे लोअर पार्ट पे मैं ग्लू गन लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर मैंने ओएचपी शीट लगा दी है और फिर उसे कट कर देते हैं। मैं इसकी एजेस पे ये पर्ल स्टिकर भी यूज कर रही हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा प्लांटर रेडी हो गया है। इस वाले फ्रिज मैग्नेट के लिए मैं ये दो फ्लावर्स यूज कर रही हूँ। तो ग्लू गन से इन दोनों को मैं सेंटर में स्टिक कर दूंगी और फिर इस तरह से दो पेपर की कटिंग्स लेकर मैं उसके ऊपर लव लिख देती हूँ। दोनों को एक साथ अटैच कर दें और फिर इस कंटेनर के सेंटर में इसे ग्लू गन से पेस्ट कर दें। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैग्नेट्स। तो मैं इस तरह की मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। ये इजीली सीजर से कट हो जाती है, तो जिस भी डायमेंशन की मुझे चाहिए मैं उसे कट करके हर एक एलिमेंट के बैक साइड में इसे अटैच कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। मेरे पास इस तरह की छोटी मैग्नेट्स भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। ये काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी छोटे साइज की है। यूजुअली मैं स्क्रैप बुक में इसे यूज़ करती हूँ, तो जो कुछ हैवी एलिमेंट्स मैंने बनाए थे जिसमें पेबल्स लगे हुए हैं तो उसके पीछे मैंने इसे लगाया है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि राउंड शेप के जो बड़े वाले मैग्नेट्स आते हैं आप वो यूज़ करें, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा। अभी यहाँ पे इस वाले ढक्कन की डेप्थ थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने दो लेयर डबल साइडेड टेप की लगाई है और उसके ऊपर मैंने फिर मैग्नेट लगाई है, तो इससे उसकी हाइट उसके बाउंड्री के इक्वल हो गई है और वो इजीली फ्रिज पे लग जाएगा। क्लिप्स के लिए मैंने छोटी वाली मैग्नेट यूज़ करी है और इसके अपोजिट साइड पे मैं कुछ इस तरह के फ्लावर्स भी ऐड कर रही हूँ फॉर मोर डेकोरेटिव लुक। ये मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर कुछ लिख दिया जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉफी, और आप देखेंगे कि इसने इसका लुक कितना एनहेंस कर दिया है। और अब टाइम है सारे फ्रिज मैग्नेट्स को फ्रिज पे लगाने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे फ्रिज मैग्नेट्स को अरेंज करते रहिए, एडजस्ट करके देखते रहिए। जो लुक आपको बेटर लगे आप वैसे लगा दीजिए उसे। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये डार्क कलर के ऊपर वाइट कलर बहुत अच्छे से खिलकर आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप ये DIY ट्राई कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी क्रिएटिविटी मेरे साथ शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।